1K कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़े सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो गाइस जाओ फटाफट सब्सक्राइब कर लो और 1K कंप्लीट करा लो। ये टूट गया गाइस, चलो कोई ना, इसका भी सह लेंगे। मतलब आज दिन में टूटना, रुको एक मिनट रुको, मतलब आज के दिन भाई ना टूट फूट ही लिखी थी। चलो, और अब ना टायर में हो, अभी कम R15 में कोई सीन नहीं भाई। भाई जब भी इधर कच्चा रोड है, अभी नटिकर होके जाएंगे भाई ना, पूरा ऑफ रोड देखने को मिलेगा भाई, फुल ऑफ रोड है नीचे तक। अब मेरे पास ना GoPro में बैटरी भी कम है, अब देखते हैं भाई कितनी क्लिप आएगी, कितनी वीडियो बनेगी। मतलब ऐसा है कि थोड़ी बहुत ही बनेगी, अब ज़्यादा तो बनेगी नहीं। कैसा लग रहा है? सेक्सी। और ना नीतीश भाई बोल रहे थे देवरी घाट, यहाँ ऊपर ना भाई बेंच वगैरह वहाँ से अच्छी लोकेशन आती है, बट धुंध है भाई ना, तो कोई मतलब रह नहीं गया। और फोटोज वगैरह लेंगे हम थोड़ी देर वहाँ पर, और उसके बाद निकलेंगे हम नीचे के लिए, जो जो है जैसा जैसा है देख लेंगे गाइस। बड़ा सेक्सी रोड है भाई ये तो। हाँ तो मजे भाई। तो गाइस ये मिरर भी खुद खुद घूम रहा है, अब सारे पुरजे ढीले कर दिए हमने बाइकों के आज भाई। भाई न्यूट्रल ही चलेंगे भाई, ये रोड भी नीचे के, मतलब ऑफ रोड वाला है टोटल रोड नीचे के लिए। अभी तो रोड इधर से ठीक है, इसके बाद देखना भाई रोड की कंडीशन क्या है। इससे जाओ इधर से रोड ना थ्रू है, बट ना जब मैं पिछली बार इधर से गया था ना भाई, इधर ना रोड बहुत गंदा था नीचे के लिए। हाँ ये रोड है, पर भाई जब मैं पीछे आ गया तो बहुत गंदा था। चलो फिर देखी जाएगी, क्योंकि बहुत गंदा रोड है नीचे यार। बट यहाँ भैया मिले, भैया बोल रहे हैं कि रोड अच्छा है, मशीन आई थी वाला रोड थ्रू कर दिया। बट भाई ना है तो ये बहुत शॉर्ट है भाई, बहुत नज़दीक है हमारे लिए, पर सीन ऐसा है ना, अगर ये रोड ख़राब हुआ ना तो भाई हम ना फंस जाएंगे फिर। चलो आगे आगे चलो। हाँ हाँ रोड वाला सीन है थोड़ा। भाई ऐसे तो ठीक है, बीच बीच में शायद ऐसा ही होगा। बाइक है ना, फिर साइड साइड से हम निकाल सकते हैं। रोड की तो भाई कंडीशन आप देख सकते हो, जब मैं पिछली बार आया था जो यहाँ पार दिख रही है ना आपको, ये कैंची भाई, ये ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था, बट ना अब इसमें मशीन लगी है, अब ना इन पूरा रोड ही ठीक कर दिया है। मैं तभी इधर से नहीं आ रहा था, मेरे को लगा कि शायद ख़राब होगा रोड। ये क्या सीन है यहाँ पे, पीछे से निकालना चाहिए मेरे को यार।
बट अब आगे अब इधर से निकाल लेते हैं। बच गया भाई, यहाँ से ना आराम से निकालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ शायद बच सकता है भाई। चलो अब तो भाई पहुंच ही गए हम। ये वाले एरिया जो थे ना पॉइंट, बहुत गंदे थे पहले, बट अब अच्छे हो गए हैं। The next day. तो गाइस हवा डलवा लेते हैं भाई यहाँ पे, पर भाई कहाँ, यहाँ तो कोई है नहीं। अच्छा बैठे अंदर, दिखे ही नहीं। तो भाई इसमें हवा डलवा लेते हैं अभी पहले, और उसके बाद देखते हैं आएगा क्या सीन रहता भाई। टायर ना पूरा बैठ गया और टायर भी टकला हो गया भाई मेरे पास। दिन के टाइम तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना आज, तो मैं ब्लॉग करने दिन को निकला ही नहीं। अभी ना शाम के टाइम 4-1 बज गए हैं, तो मैं कहा ब्लॉग कर लेते हैं। नहीं तो भाई बहुत गर्मी होती है दिन के टाइम, तो व्लॉग करने का सोचना भी नहीं पड़ता है। निकला था मैं व्लॉग करने, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना भाई, हालत ही ख़राब हो गई थी मेरी तो गर्मी से, इसलिए मैं ना वापसी रूम चला गया। और शाम के टाइम में कब व्लॉग करूँगा, और अब जब धूप थोड़ी कम हो गया भाई, अब व्लॉग करने निकला हूँ मैं। एक तो लिया करो यार, चले होते हैं सीधे रोड पे। अरे पूरे नजरें नहीं लगाते हैं चचा जी।